रेडी। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जयसिंघी। आज ललितपुर के मुख्यालय तुमन मंदिर, जहां पर हनुमान जी का मंदिर है, बजरंग बली की कृपा है, तुमन सरकार कहलाते हैं, उस तुमन सरकार वाले मैदान में ललितपुर में आप देख सकते हैं कि शिल्प मेला मेगा फेयर फेट लगा हुआ है। और इस मेला का शुभारम्भ आज माननीय जिलाधिकारी महोदय योगेश कुमार जी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय कैप्टन MM बेग ने संयुक्त रूप से किया है। और इस मेगा जो शिल्प मेला लगा है, इस मेले का शुभारंभ आज मीडिया पार्टनरी के तौर पर यहां पर किया गया है। आज हमारे अतिथि महोदय यहां पर पधारे, जिन्होंने विधिवत भगवान गणेश जी के पूजा अर्चना की और पंडित रोहित जी ने इसके पूजा अर्चना का शुभारंभ कराया। तो वहीं उन्होंने फीता काटकर इस मेला का शुभारंभ किया और उसके उपरांत उनका सम्मान स्वागत प्रेस क्लब ललितपुर द्वारा किया गया। इस आयोजन में जहां जिलाधिकारी महोदय योगेश कुमार जी शुक्ल, वहीं पुलिस अधीक्षक कैप्टन MM बेग थे, प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजीव बबेले, महामंत्री सत्येंद्र प्रताप जी, कोषाध्यक्ष रमेश रैकवार और पूर्व महामंत्री एवं अनेक पदाधिकारी प्रेस क्लब के यहां पर उपस्थित रहे। सभी पत्रकारों की उपस्थिति में इस मेला का शुभारम्भ किया गया। आप ललितपुर लाइव टीवी से बने रहिए। हम इस मेला के संचालक महोदय से इस मेला की उपलब्धि और मेला के उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। हम शिल्प मेला के बारे में बात करा रहे हैं। शिल्प मेला के जो संचालक हैं, उनकी टीम के सदस्य, मैं उनसे बात करता हूँ शिल्प मेला के बारे में। बताएं कि शिल्प मेला में क्या क्या उपलब्धियाँ और क्या आम जनता के लिए लाभ हैं। शिल्प मेले में अवध हथकरघा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति द्वारा ये मेला लगाया गया है। इसमें हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट के कारपेट, लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पजामा, लेडीज़ सूट, ड्रेस मटेरियल, दिल्ली टॉप और जयपुरी स्कर्ट, बहुत सारी वैरायटी जो हम मेले में लाए हैं। और इससे पहले भी बहुत सारी वैरायटी लाए थे, अब गर्मी के लिए स्पेशल कॉटन लाए हैं। इस मेले में जो आम जनता बाज़ार से मार्केट से माल खरीदती है, लेकिन इस मेले में उसको क्या बेनिफिट रहेगा? बाज़ार से लगभग 30-40% कम रेट हमारे हैं, बहुत ही मुनासिब दाम है हमारे, बहुत रिजनेबल प्राइस है और कॉटन अच्छा कपड़ा है अपना। ये कब से कब तक लगेगा? ये लगभग 20 दिन का मेला है, ये 7 मार्च तक रहेगा। इसका शुभारंभ और समापन सुबह समय की टाइम सुबह 11 बजे से रात्रि 9:30-10 बजे तक। और कोई विशेष उपलब्धि? विशेष उपलब्धि आज DM साहब ने उद्घाटन किया, SP साहब आए और भी हमारे बहुत सारे लोग आए और उन्होंने बहुत कुछ अच्छा काम, मतलब इस तरह आपने हमारे शिल्प मेला के संचालक महोदय से वार्ता की और उन्होंने इस मेले की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार की यहाँ पर स्टालें हैं, दुकानें हैं, जिस पर हौजरी से लेकर घरेलू सामान, घर गृहस्थी के सामान और घर के सजावट के सामान, जैसे कारपेट है, मेट है, रजाइयाँ हैं, बेडशीट हैं, कुशन हैं और बच्चों के फ्रॉक वगैरह इत्यादि आधुनिक कपड़े हैं एवं हर प्रकार के तकनीक सामान यहाँ पर मिलेंगे। इनका कहना है कि जो मार्केट में बाज़ार में जो वस्तुएं मिलती हैं उनकी जो कीमत होती है, उन कीमत से 20-30% का यहां पर मार्जिन होगा। यह मेला लगभग 20 दिन तक चलेगा और इस मेले का लुत्फ़ और आनंद उठाने के लिए यहां पर ललितपुर के लोग आएंगे। आज इसका शुभारंभ DM महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो संयुक्त रूप से किया है, आने वाले समय में इस मेले की उपलब्धि और जन सैलाब देखते ही बनेगा। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनिंदा।